बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास सेकंड ईयर का पहला चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 और चैप्टर का नाम है हमारे पास लिमिट एंड फंक्शन। अब हम लिमिट एंड फंक्शन देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, क्योंकि हमारे पास ये चैप्टर में ज्यादातर फंक्शन ही यूज होगा, तो हम सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं कि फंक्शन क्या चीज होती है। बेटा फंक्शन हमारे पास क्या होता है, एक लाइक अ कंप्यूटर मशीन की तरह होती है। जैसे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा इनपुट करते हैं, इनपुट करने के बाद कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें एक आउटपुट हासिल होती है। यहाँ पर उस चीज को हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करते हैं किस तरह। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एक ये मशीन है, मैं कहता हूँ ये क्या है, मशीन है, और उसके अंदर एक फंक्शन एफ मौजूद है हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक इनपुट वैल्यू देता हूँ, इनपुट वैल्यू देता हूँ, और जो चीज मैं इनपुट करूंगा फंक्शन में वो हमारे पास क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया है, एक्स को पुट किया है। अब फंक्शन क्या करेगा, मशीन क्या करेगी, उसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद जो चीज आपके पास आउटपुट आएगी वो हमेशा क्या कहलाएगी, हमारे पास रेंज कहलाएगी। जैसे कि एफ, अब प्रोसेस करने के बाद वो हमारे पास क्या आएगा, एफ एक्स आएगा। अब एक दफा दोबारा देख लेंगे, जो भी चीज हम इनपुट करते हैं वो हमारे पास डोमेन होती है, और जो भी चीज हम आउटपुट हमारे पास हासिल होती है वो हमेशा हमारे पास क्या आती है, रेंज आती है। इसी तरह बेटा अगर हम डेली लाइफ में एग्जाम्पल लें, जैसे कि एक रॉकेट होता है। अब रॉकेट में जो मटेरियल यूज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गैसें यूज होती हैं उसको उड़ाने के लिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए, उसके अंदर आप जितना ज्यादा मटेरियल डालेंगे क्या होगा, उसकी उतनी ही ज्यादा रेंज होगी। जितना मटेरियल कम करेंगे उसकी उतनी ही कम रेंज होगी। सेम टू सेम आपका इसी तरह फंक्शन में होता है, जितनी आपकी डोमेन होगी उतनी ही आपकी रेंज होगी। लेकिन लाजम नहीं कि डोमेन ज्यादा हो तो रेंज भी ज्यादा होगी, अगर डोमेन कम होगी तो रेंज भी कम हो सकती है या रेंज भी ज्यादा हो सकती है। वो किस केसेस में आ जाता है, अगर आपके पास क्या आ जाए, कोई भी वैल्यू मतलब बटे में आ जाए, आपके पास क्या आ जाए, डिवाइड में आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। जैसे हमारे पास अब क्या है, एक ये फंक्शन है एक्स प्लस थ्री का। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास फंक्शन है, अब मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू इनपुट करता हूँ जो हमारे पास क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। अब मैंने क्या किया, एक वैल्यू इनपुट की, फॉर एग्जांपल मैंने 2 पुट किया। अब जब x की जगह पर क्या पुट होगा, 2 पुट होगा, मशीन क्या करेगी, उसको प्रोसेस करेगी, 2 प्लस 3, 3 में 2 ऐड करेंगे आपके पास 5 आएगा, और जो आपके पास आउटपुट आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 5 आएगी, और ये हमारे पास क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास दूसरे केसेस आ जाते हैं, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास क्या है, 1 आवर x प्लस 3 है। अब क्या होगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 1 आवर आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो 1 आवर 5 को अगर डिवाइड किया जाए तो वो आपके पास 0. समथिंग वैल्यू आती है। तो इसका मतलब लाजम नहीं, डोमेन ज्यादा हो तो रेंज भी ज्यादा होगी, डोमेन अगर ज्यादा है तो रेंज कम भी हो सकती है हमारे पास। ये था बेटा थोड़ा सा क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन फंक्शन का। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, अब बेटा क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 ये है कि आपको ये फंक्शन दिया हुआ है और आपके पास 4 डोमेन अवेलेबल है। आपने क्या करना है, एक एक करके डोमेन आपने उस फंक्शन के अंदर पुट करनी है और रेंज को मालूम करना है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम। अब पहले सबसे पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूं। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब हमारे पास पहली डोमेन क्या मौजूद है, आपके पास पहली डोमेन है एफ माइनस टू।
आपने ये मालूम करना है दरअसल, जब हम क्या करें x की जगह पर माइनस टू को रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या रेंज आएगी, वो आपने क्या करना है बताना है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब आपने यहाँ लिखना है, अब x की जगह पे 2 पुट करना है, तो आपने यहाँ लिख देना है x replaced by माइनस टू, कि हम क्या कर रहे हैं x को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस टू में, किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। अब आपके पास फंक्शन था x, x की जगह पर प्लेस हो जाएगा माइनस टू, जहां जहां पर आपके पास x होगा वहां वहां पर आपके पास माइनस टू आ जाएगा, माइनस और ये माइनस टू। अब देखो टू टू जा फोर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, और ये आपके पास बेटा आ जाएगा टू। अब 4 में आप 2 को ऐड करें तो वो आपके पास आएगा 6, तो हमारे पास पहले डोमेन की क्या रेंज आ गई, 6 आ गई, ये आपका बेटा आंसर था। इसी तरह अब आपने क्या करना है, सेकंड डोमेन में आपको 0 दिया हुआ है, आपने क्या करना है जहां जहां पर x अवेलेबल होगा वहां वहां पर आपने क्या पुट कर देना है, 0 को पुट कर देना है। अब देखें जैसे कि क्वेश्चन नंबर, डोमेन नंबर आपकी 3 है, क्या है आपके पास f x माइनस वन, ये आपने दरअसल डोमेन है, रेंज इसकी फाइंड करनी है। अब देखिए बेटा, अब आपके पास फंक्शन वही होगा, एक दफा मैं फंक्शन लिख लेता हूँ x की स्क्वायर माइनस x। अब देखिए आपने क्या करना है, यहां पर लिखना है x रिप्लेस्ड बाय x माइनस वन, x माइनस वन, क्या हम क्या कर रहे हैं, x को रिप्लेस कर रहे हैं x माइनस वन से। अब जहां जहां पर आपके पास x होगा वहां x माइनस वन आ जाएगा, x माइनस वन का स्क्वायर माइनस x माइनस वन का एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि यहां पर x है खाली तो इसलिए x आ जाएगा। अब देखें बेटा, अब आपके पास क्या है, x माइनस वन का होल स्क्वायर मौजूद है। अब हमारे पास होल स्क्वायर यूज हो गया, अब इसके अंदर आपके पास फार्मूला यूज होगा, फार्मूला कौन सा होगा आपका, a माइनस बी की अगर स्केयर हो तो वो आपके पास आता है a की स्केयर प्लस b की स्केयर माइनस टू ए बी। अब देखें बेटा आपने क्या करना है, a की जगह हमारे पास क्या मौजूद है x, और b की जगह पर आपके पास क्या मौजूद है 1। अब आपने क्या करना है, इसका फार्मूला ओपन कर देना है, तो क्या आएगा x की स्केयर प्लस 1 की स्केयर माइनस 2, a की जगह पर अब आपके पास x आएगा और b की जगह पर आपके पास 1 आएगा। अब इसी तरह अब हमारे पास ये वैल्यू किस में मौजूद है, बटे के अंदर मौजूद है। अब जब आप हम ब्रैकेट्स खोलेंगे तो क्या होगा, अंदर वाली जो साइन होंगे वो हमारे पास चेंज हो जाएंगे, जो प्लस होगा वो माइनस में और जो माइनस होगा वो प्लस में। अब आप इसको ओपन कर लें, x की स्केयर आ जाएगा, 1 का स्केयर लें तो आपके पास 1, ये आएगा 2x माइनस x प्लस 1। अब देखिए बेटा, जो जो आपके पास वेरिएबल की पावर सेम है उनको आप ऐड कर लें, और जिनकी सेम नहीं है आपने उनको क्या करना है, एज इट इज ऐसे ही रहने देना है। अब आपके पास ये x की स्केयर आएगा, अब माइनस और माइनस प्लस, माइनस 3x, ये 1 और ये 1, कितना 2 हो गया आपके पास, ये आपकी क्या होगी, रेंज मालूम होगी x माइनस 1 की। ये था आपकी डोमेन नंबर 3। अब इसी तरह हम चलते हैं 4 की तरफ। अब 4 वाली आपके पास डोमेन क्या मौजूद है, f x square plus 4। अब आपने क्या करना है, x square plus 4, अब ये आपने मालूम करना है, एक दफा हम फंक्शन लिख लेते हैं f x x square minus x। अब देखिए बेटा, अब आपने क्या करना है, x की जगह पर रिप्लेस कर देना है क्या चीज, x स्क्वायर प्लस 4 को। जैसे ही आप x स्क्वायर प्लस 4 को पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। अब हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं f x, x की जगह पर अब हमने क्या पुट करना था, x स्क्वायर प्लस 4, तो यहां आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4। अब जहां जहां x होगा वहां पर x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और माइनस आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए बेटा, अब आप क्या कर लें, इसका स्क्वायर ओपन कर लें, सेम टू सेम जो पहला फार्मूला था वो ही यूज होगा, लेकिन यहां हमारे पास प्लस आएगा, अगर यहां प्लस है तो यहां पर भी आपके पास
प्लस यूज होगा, तो वो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए और बी, और बी मतलब हमारे पास क्या मौजूद है, फोर मौजूद है, आपने फोर लिख देना है। इस क्वेश्चन को मैं रेस कर देता हूं। अब आपके पास सेकंड क्या वैल्यू है, माइनस। अब ब्रेसेस जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, अंदर वाले जो साइन होंगे आपके पास वो चेंज हो जाएंगे, आप एक्स की स्केयर माइनस फोर आ जाएगा आपके पास। इसी तरह अब आप इसको ओपन कर लें, टू पहले से मौजूद है, टू और टू पावर कितनी होगी आपके पास, फोर, चार का आप फोर का क्या करें, आप मुरब्बा लें तो वो आपके पास आएगा 16, आप फोर टू जा एट, एक्स की स्केयर माइनस फोर। फिर आप क्या करें, सेम टू सेम एज इट इज, जिनकी पावर सेम है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें। अब देखें x4 आपके पास एक ही है, तो आप x की पावर 4 को एज इट इज लिख दें। अब x की स्केयर ये है, x की स्केयर ये है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 निकाल लेंगे तो आपके पास आएगा 7x की स्केयर। अब प्लस माइनस माइनस, 16 में से आप 4 निकाल लें तो आपके पास बेटा आएगा 12। ये था आपकी डोमेन x स्क्वायर प्लस 4 की। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी बेटा आपके पास क्या होगा, यही चारों डोमेन यूज होंगी और फंक्शन आपके पास क्या आएगा, और आएगा, मतलब आपने क्या करना है, डोमेन यही यूज करनी है और जो उसने फंक्शन दे दिया हुआ है वो उसने अलहदा दे दिया। वो हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल है एक्स प्लस फोर। अब मैं पहले फंक्शन लिख लेता हूँ, आपके पास फंक्शन चेंज हो गया एक्स प्लस फोर। अब देखिए बेटा, आप पहली डोमेन क्या है आपके पास, एफ माइनस टू मालूम करनी है आपने, यहाँ पर फिर आपने उसी तरह लिखना है एक्स रिप्लेस्ड बाय माइनस टू। जैसे आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर फंक्शन के अंदर माइनस टू पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा माइनस टू प्लस फोर, प्लस माइनस माइनस, फोर में से टू निकालें तो आपके पास टू आ जाएगा अंडर रूट, और ये आपकी क्या आ गई, डोमेन आ गई। अब इसी तरह आपके पास क्या होगा, अब मैं आपको लास्ट वाला एक फंक्शन उनके पुट कर देता हूँ फंक्शन के अंदर डोमेन। अच्छा, अब मैं लास्ट वाले में क्या करता हूँ, डोमेन है फंक्शन के अंदर पुट कर देता हूँ। अब आपके पास क्या है, एफ एक्स फंक्शन है, अंडर रूट एक्स प्लस फोर है। अब आपने क्या करना है, मालूम एफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये आपने मालूम करनी है, इसकी रेंज आपने क्या करनी है, मालूम करनी है। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे पहले एक्स रिप्लेस्ड बाय क्या, किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब जब हम पुट करेंगे एफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, एक्स की जगह पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस फोर आ गया और ये फोर पहले से ही मौजूद था तो प्लस फोर आ जाएगा। और अब आप इनको ऐड कर लें, जो ऐड होती है वैल्यू, फोर में फोर ऐड करेंगे आपके पास क्या आएगा, एट आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एट, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस फोर की रेंज मालूम होगी। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर वन। इसके मतलब आपको कोई भी किसी किस्म का मसला दरपेश आता है, आप मुझसे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।